हेलो फ्रेंड्स, आज के पीसी बिल्ड में मदरबोर्ड है दोस्तों Asus का Maximus Jet 790 Apex Encore, काफ़ी पावरफुल मदरबोर्ड है, काफ़ी कूल है। और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का R9 14th Gen 14900K जो कि 24 कोर के साथ आता है, काफ़ी पावरफुल ये प्रोसेसर है, तो काफ़ी पावरफुल ये बिल्ड होने वाला है, ऑसम बिल्ड होने वाला है। स्टोरेज यहाँ पर सैमसंग की 990 प्रो यूज की जा रही है, NVMe SSD M.2, 3 SSDs यूज की जा रही हैं, 2TB x 3, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और दोस्तों इन सभी कंपोनेंट्स का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसका प्राइस और इन्हें बाय कर सकते हैं। और दोस्तों जो रैम है वो यहाँ पर हम 6400 MHz वाली 32GB की 2 स्टिक ले रहे हैं, आप चाहें तो 48GB वाली 2 स्टिक्स भी ले सकते हैं। जो चेसिस है दोस्तों वो भी कमाल की है, ATX फुल साइज चेसिस है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कूलिंग के लिए Asus के ही हम यहाँ पर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, 360 ऑल इन वन, और ये लिक्विड कूलिंग है दोस्तों, काफ़ी अच्छी यहाँ पर Asus की तरफ से आती है। और साथ ही टेम्परेचर मॉनिटर के लिए भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपोनेंट यूज किया जा रहा है। और पावर सप्लाई भी दोस्तों Asus रोग थॉर वाली यूज हो रही है, 1200 वाट वाली। सारे कंपोनेंट्स का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और साथ ही उससे जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX 4090 24GB OC Edition, टॉप नॉच का ये ग्राफिक कार्ड है और बिल्कुल भी बॉटलनेक यहाँ पर ये पीसी नहीं होने वाला। इसमें टॉप नॉच का आपको प्रोसेसर दिख रहा है और टॉप नॉच का ही यहाँ पर ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया है। और साथ ही जो रैम है वो भी यहाँ पर हमने 32GB की 2 स्टिक यूज की है, 64GB वाली। और जो पीसी का जो बिल्ड है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है और काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहा है। ओवरऑल इसका जो प्राइस है वो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।